वेलकम टू वीरेंस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ टमाटो। तो इसके लिए पहले हम दो बड़े बॉईल आलू लेंगे, उसमें मसाला कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून अदरक और मिर्ची की पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून शक्कर डालेंगे, रस मसाला, 1/2 नींबू का रस लेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। अब हम छोटे साइज के टमाटर लेंगे, 5 मैंने यहाँ पर 5 टमाटर लिए हैं। अब हम पहले इसका ऊपर से छिलका उतार लेंगे, इसका टॉप निकाल लेंगे आराम से हल्के हाथों से, ताकि हमारा टमाटर टूट ना जाए। और उसी तरह पीछे से भी हल्का सा हम निकाल लेंगे। इसी तरह सब टमाटर के हम ऊपर के टॉप निकाल लेंगे। ये मैंने सारे टमाटर के ऊपर के छिलके निकाल लिए हैं, और हमको टमाटर कड़क, थोड़े कड़क ही लेने हैं, ताकि हम अंदर स्टफिंग भरें तो हमारे टमाटर टूट ना जाए। अब हम छुरी की मदद से अंदर का पल्प आराम से हल्के हाथों से निकालने की कोशिश करेंगे, एकदम धीरे धीरे निकालेंगे, ताकि हमारे टमाटर टूट ना जाए। जितना पल्प निकाल सके उतना निकाल लेना है, ताकि अच्छे से हम अंदर से स्टफिंग कर सकें। देखिए सब टमाटर में से मैंने पूरा पल्प निकाल लिया है। इस तरह से हल्के हाथों से आपको निकालना है, और ये जो पल्प निकाला है उसको हमें फेंकना नहीं है, वो हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम ग्रेवी के लिए तैयारी कर लेंगे। उसके लिए चाहिए हमें 1/2 चम्मच खसखस, 1 चम्मच मगजफरी के बी डालेंगे, सफेद तिल डालेंगे, 1/2 चम्मच बड़ी सौंफ डालेंगे, 2 बड़े चम्मच काजू डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए थोड़ा पानी में भिगा के रख देंगे। जब तक हमारा ये मसाला भीग रहा है, तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। एक पैन में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ये हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे, 1 बड़ा तज का टुकड़ा डालेंगे, 2 छोटी इलायची डालेंगे और 2 तेज पत्ता डालेंगे। 6 से 7 लहसुन की कलियां डालेंगे, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अच्छे से सौते कर लेंगे इसको। 2 बड़े प्याज डालेंगे इसमें। दो बड़े टमाटर डालेंगे और जब तक प्याज और टमाटर हल्के से गल ना जाए, तब तक हमको इसको पकाना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे ताकि जल्दी प्याज गल जाए। हमको इसको ज्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट ही पकाना है फिर, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी बनाने वाले हैं। कि हमारे टमाटर और प्याज हल्के से गल चुके हैं, अब गैस बंद करके हम इसको साइड में निकाल के रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम टमाटर में स्टफिंग कर लेंगे। अभी हल्के हाथों से हम स्टफिंग भर लेंगे अंदर अच्छे से। एकदम ही ऊपर तक भरना है आपको। जितना आप दबा के अंदर भर सको उतना स्टफिंग करना है। इस तरह से देखिए हमने सारे टमाटर को भर दिया है अच्छे से। अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही लेंगे।
अब हल्के हाथों से धीरे धीरे एक एक टमाटर डालेंगे इसमें। गैस की आंच मीडियम ही रखेंगे। इसको देखिए हमको इतना ही पकाना है ताकि इसके स्किन जो ऊपर की स्किन है वो अच्छे से निकल जाए, ज्यादा नहीं पकाना है आपको। ये हमारा स्किन ऊपर से निकलना शुरू हो गया है, इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसको साइड में निकाल देंगे। अब हल्का सा टमाटर ठंडा होने पर हम इनकी सारी स्किन उतार लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल रही है स्किन, ये देखिए। सारे टमाटर के हमने छिलके निकाल के रख दिए हैं, अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। बना के रखा है इसमें से हम तेज पत्ते निकाल लेंगे, बाकी सभी चीजों को हम मिक्सी में निकाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये जो मसाले हमने भिगा के रखे थे उसमें से मैंने पूरा पानी छान लिया है, वो भी पीसने में डाल देंगे साथ में ही। और जो टमाटर में से प्योरी हमने साइड में रखी हुई थी उसको भी पीसने में साथ में ही ले लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम अच्छे से पिस चुकी है, एकदम ही फाइन पेस्ट हो गया है, ऐसे ही हमें पीसना है। तीन बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। तेल गरम हो चुका है, एक टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा क्रैकल हो जाए फिर पिंच ऑफ हिंग डालेंगे। अब इसमें सारी ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी को हमको 2 से 3 मिनट तक पकाना है जब तक कि उसमें से तेल ना छूट जाए। जिसमें से तेल छूटने लगा है अब इसमें हम मसाले कर लेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, बड़ा चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फ्रेश क्रीम डालेंगे जो टमाटर का खट्टापन है उसको बैलेंस भी करेगा और हमारी सब्जी का स्वाद भी बढ़ाएगा। दो मिनट तक पकाएंगे, फिर अभी कसूरी मेथी डालेंगे। अब ग्रेवी में स्टफ किए हुए टमाटर डालेंगे और 4 से 5 मिनट तक अच्छे से उसको ग्रेवी में पकने देंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार है, अब उसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे।